हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग बच्चे। जैसे कि आपको मालूम है, क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड ने अपने 2022 में होने वाले एग्जाम्स के लिए सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, जिसकी इन्फॉर्मेशन उसने अपनी वेबसाइट पे तो दी है कि क्या क्या सिलेबस आ रहा है, बट कौन कौन से टॉपिक्स नहीं आ रहे ये नहीं बताया। तो आज इस वीडियो में पेज बाय पेज केमिस्ट्री की 10th आईसीएसई की एक बहुत ही पॉपुलर बुक दैट इज सिंप्लीफाइड आईसीएसई केमिस्ट्री बाय विराफ जे दलाल की बुक से मैं आपको वो टॉपिक्स मार्क कराने वाला हूं जो 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नहीं करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात और बता दूं मैं कि भैया, हमारी फिजिक्स ब्रो की ऑफिशियल ऐप लॉन्च हो चुकी है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप वहाँ पे बहुत सारे फ्री कंटेंट का, वो भी क्वालिटी कंटेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। वहाँ पे डाउनलोड करने के बाद टॉप लेफ्ट कॉर्नर की 3 बार्स पे क्लिक करके, स्टडी मटेरियल पे क्लिक करके अपना क्लास सेलेक्ट करके मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं लाइव क्लासेस में, तो लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं। सारी डिटेलिंग वहाँ पे स्टोर सेक्शन में दे रखी है। अगर कोई आपको क्वेरी है तो मेरे से वहाँ पे चैट बॉक्स के थ्रू बात कर सकते हैं। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो प्यारे, मैं हूँ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर इस बुक से मैं आपको वो टॉपिक्स तो मार्क कराने ही वाला हूँ जो 2020 के सिलेबस में बोर्ड ने रिड्यूस किए हैं इसी साल, लेकिन साथ साथ में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो आपकी बुक में एक्स्ट्रा दे रखे हैं। वो कौन से टॉपिक्स हैं वो भी मार्क होने वाले हैं। और किसी के पास ये वाली बुक ना हो के दूसरी बुक है जैसे कंसाइज की या और, तो बहुत सारी बुक से अलग अलग पब्लिशर से मैं यहाँ पे सीरीज स्टार्ट करी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन पे दे रखा है। वहाँ से आप दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, कंप्यूटर, आपकी हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स के लिए भी वीडियो पे आप जा सकते हैं पेज बाय पेज वो टॉपिक्स डिलीट करने के लिए। ये जो बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 2021 एडिशन की है, लेकिन इससे पहले के 1-2 साल के, और आपके पास इसके आगे 2022 एडिशन की है, तो सेम कंटेंट है, कोई परेशानी नहीं है, तो पेज बिल्कुल मैच करेंगे आपके। तो भैया सबसे पहले आ जाते हैं चैप्टर 1 पे। चैप्टर 1 आपका है पीरियोडिक टेबल, है ना। इसमें से कोई भी टॉपिक आपका डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन है ये, इसकी मेंशनिंग जैसे डॉब्रिनर ट्राइड्स, न्यूलैंड, मेंडलीव जैसी चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में नहीं आएंगी, लेकिन इंट्रोडक्शन है, पढ़ना जरूरी है ताकि आगे आपको इंट्रोडक्शन से ही आगे बढ़ पाएंगे। तो एक बार इसे पढ़ जरूर लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में ये नहीं आएगा। एक चीज़ इसमें से और एक्स्ट्रा दे रखी है बुक में, पेज नंबर 14 पर आप देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स में, ये एसिडिक बेसिक, एसिडिक बेसिक वाला पढ़ लें, समझ लें, अच्छा है, लेकिन एग्जाम में ये नहीं आएगा। और डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट वाला भी नहीं आएगा वेरिएशन आपका। फिलहाल चैप्टर 2 केमिकल बॉन्डिंग पे आ जाओ। भैया केमिकल बॉन्डिंग में कोई भी चीज़ डिलीट नहीं है, लेकिन हाँ, एक ऐसी चीज़ है जो सिलेबस में पहले से ही नहीं थी, जो आपको नहीं करनी है। कौन सी चीज़ नहीं करनी है प्यारे? जैसे आपने देखा होगा ये पेज नंबर 25 पे ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर दे रखे हैं जिसमें मैंने क्रॉस लगाया है। ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पहले कभी एग्जाम में आते थे, लेकिन अभी एग्जाम में नहीं आएंगे। सिर्फ आपके आएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जैसे जिसपे मैंने टिक लगा रखा है NaCl का एग्जाम्पल लेके। ऐसे पूरे चैप्टर में जहाँ भी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल एसिड बेसिस सॉल्ट्स में से बहुत सारा पोर्शन कटा हुआ है और कुछ बुक में एक्स्ट्रा भी दे रखा है, इसे ध्यान से समझिए। एसिड बेसिस सॉल्ट्स में भैया सबसे पहले तो आप निकाल लो पेज नंबर 44 पे, ये रिएक्शन दे रखा है लेफ्ट साइड में, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, ये आपको कुछ भी नहीं करना है। इनका रिएक्शन एसिड्स का इनके साथ साफ साफ कट चुका है। 45 पेज पे आप देखिए रेफरेंस दे रखा है एसिडिटी इन एसिड रेन, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए, इस बुक में काफ़ी जगह रेफरेंस दे रखा है, वो सिर्फ रीडिंग के लिए है, जो आपको एग्जाम के लिए नहीं करना। तो जहाँ जहाँ रेफरेंस दे रखा है वो सिर्फ एक्स्ट्रा रीडिंग, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करें सॉल्ट्स पे आ जाओ, पेज नंबर 48 में सॉल्ट्स में बहुत सारा मेजर पोर्शन आपका कट है। क्या कट है बाबूजी? सॉल्ट्स में आपको सॉल्ट्स की डेफिनेशन करनी है, सॉल्ट्स के टाइप्स में
एसिड सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट करना है क्या होता है। लेकिन पेज नंबर 49 पे ये देखिए दे रखा है बेसिक सॉल्ट के बाद डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये नहीं करना। ये सिलेबस में पहले से ही नहीं है, रेफरेंस के लिए है, सिर्फ पहले ही काटा जा चुका है। अच्छा बेसिस में बात करें तो बेसिस में भी ना मैंने यहाँ दिखाया नहीं है, लेकिन बेसिस के में भी उसकी जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ बेसिस, वो सिलेबस में कहीं से अलग से मेंशन नहीं है, तो आपको ऐसा सच नहीं करना। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ कटवाया नहीं है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, आपको कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में आगे कई जगह हेल्प करने वाली है, इसलिए वो मैंने कटवाया नहीं है, वो कर लेना फिलहाल। अच्छा ये सॉलिबिलिटी भी काटनी है पेज नंबर 49 पे, सॉलिबिलिटी ऑफ मेटेलिक सॉल्ट्स है, ये भी काटना है। और प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स तो पूरा काट दो, यानी पेज नंबर 50, 51, 52, 53 सब काटते जाओ, 54, 55, 56 पे देखिए पूरा यहाँ तक कट है। रेफरेंस में ये दे रखा है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, ये भी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैंने टिक लगाया है आपकी एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए, इसे कर लेना, कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी सब कट है। फिर है नेक्स्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री में, आप देखिए एक छोटा सा पार्ट कट है, जैसे NaOH का रिएक्शन, NaOH का रिएक्शन, KOH का रिएक्शन, मेटल, तीन मेटल है, जिंक, लेड और एल्यूमिनियम, आपको सिर्फ एल्यूमिनियम से रिएक्शन करना है NaOH KOH का, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड से और एल्यूमिनियम की हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करना है, ना कि लेड और जिंक से। लेड और जिंक वाले काट दीजिए जो मैंने यहाँ पे काट रखे हैं, ठीक है। जिंक और लेड वाली जितनी रिएक्शन है, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, वो पूरा काट दीजिए। आ जाओ भैया नेक्स्ट चैप्टर पे, मोल कंसेप्ट। अरे बाप रे भैया, इसमें तो बहुत सारी चीजें कट हैं, तो पूरा यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ क्या कट है क्या नहीं है। फिलहाल क्या कट है वो तो यहाँ दिख रहा है सामने, लेकिन मैं सीधे आ जाता हूँ आपको करना क्या क्या है। इसमें 69 पेज से काटना शुरू करोगे सब, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76, 77, 78 पे आ जाओ। यहाँ से स्टार्टिंग होगी इस चैप्टर में 78 पे, जो वेपर डेंसिटी दे रखी है एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रोज लॉ में, ये वेपर डेंसिटी और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन होती है, ये आपको करना है। फॉर्मूला इस फॉर्मूले पे बेस न्यूमेरिकल्स होंगे, बट इसकी डेरिवेशन नहीं है, तो न्यूमेरिकल्स करने हैं आपको, रिलेशन करनी है, डेरिवेशन नहीं करनी, ठीक है। कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं वो देख लेते हैं। फिलहाल आप भैया 79, 80 पूरा काट दो, 81, 82 काट दो, 83 काट दो, 84 पे देखो ये 17th वाला और 18th वाला है, 17th वाला आपको करना है, नहीं 18th वाला मैंने गलती से कर दिया है, 18th वाला प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे बेस्ड है, ये नहीं करना, 18th काट दो, 16th करना है, 19th करना है, ठीक है, ये वेपर डेंसिटी पे बेस्ड है फिलहाल। नेक्स्ट में इंपीरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, परसेंटेज वाले में बेटा परसेंटेज वाली जो है ना कि आपको फॉर्मूला दे रखा होगा, परसेंटेज निकालनी होगी, ये वाला पार्ट सिलेबस में मेंशन नहीं है, ये नहीं करना। प्रैक्टिस के लिए करना चाहो बहुत अच्छी बात है, कर लेना, लेकिन हाँ इसके बाद जो एम्पीरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने वाली चीजें हैं वो तो करनी ही करनी है। तो 87 पेज काट सकते हो, बट 88 से पूरा करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि ये एक पहले भी इंपॉर्टेंट पार्ट था जब पूरा चैप्टर आता था, अभी तो सिर्फ यही आ रहा है, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, एग्जाम्स में आएगा ही आएगा, तो इसको जरूर इसके न्यूमेरिकल्स करिएगा एम्पीरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के 88, 89, 90, 91 पेज पे सारे, ठीक है। 92 काट दो, 93, 94, 95 काट दो, 96 पे बिल्कुल बीचों बीच F वाला पार्ट, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला वो कर दो, और 97 पे भी हाँ वेपर डेंसिटी का लास्ट है वो कर लो। बोल रहे हैं बच्चे को सर बहुत तेजी से बता रहे हो, भैया अगर तेज लग रहा है मेरे प्यारे तो इस वीडियो की स्पीड थोड़ी स्लो करके देख लो, आपके हिसाब से हो जाएगी। फिलहाल चैप्टर 5 इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करना है, कुछ चीज कट नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे पहले से ही कुछ चीज़ एक्स्ट्रा दे रखी थी बुक में जो रेफरेंस के लिए थी, आपको नहीं करनी है, वो है पेज नंबर 121 पे। देखो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस तीन होती हैं, एक आपकी होती है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो मेटलर्जी, और आपकी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो मेटलर्जी और इलेक्ट्रो प्लेटिंग। तो आपको इलेक्ट्रो प्लेटिंग करनी है। इलेक्ट्रो मेटलर्जी में भैया ये देखो, आप देख रहे हो रेफरेंस लिखा है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए करना है आपको, मेटलर्जी वाले पार्ट में जितना करना है मैं वहां बताऊंगा कितना करना है, तो ये आप काट दो पेज नंबर 121 पे, ये पूरा काट दो आप, पूरा काट दो, ठीक है। और इसमें इसके बाद इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी अगर दे रखा हो, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है।
मेटलर्जी पे आ जाओ, बहुत सारा मेजर पोर्शन इसमें कट है। क्या है सिलेबस में वो बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में ये इंट्रोडक्शन दे रखा है, सिलेबस में मेंशन नहीं है ऐसी कोई चीज है कि मेटल नॉन मेटल का कंपैरिजन करो, प्रॉपर्टीज बताओ। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो कि बेसिक चीजें हैं, मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल, ये आपको आनी चाहिए। तो ये पढ़ जरूर लेना, समझ जरूर 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 नहीं जरूर लेना, ताकि आपको आगे आसानी हो जाए, ठीक है। लेकिन एग्जाम में सिर्फ आना है क्या, पेज नंबर निकाल लो, उसके लिए 130 पेज पे डेफिनेशन है मिनरल ओर की, मेटलर्जी की, मैट्रिक्स की कर लेना, लेकिन फ्लक्स की काट दो, मैट्रिक्स की कर लेना, गैंज की कर लेना, ओर ऑफ एल्यूमिनियम करने, ओर ऑफ जिंक एंड आयरन, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पूरा काट दो, यानी 180, 131, 132 पूरा काटिए, 133, 134 पूरा काट दो। एक्सट्रैक्शन हमें सिर्फ और सिर्फ करना है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन जो किया जाता है उसमें कई स्टेप्स होते हैं। पहला, जैसे उसकी हमें ड्रेसिंग करनी होती है कंसंट्रेशन, फिर उसके बाद उसकी रिडक्शन करनी होती है, फिर उसकी आपको रिडक्शन करने के बाद रिफाइनिंग वगैरह, कई सारे स्टेप्स होते हैं जो यहाँ पे पूरा समझा रखे हैं। लेकिन एग्जाम में बेटा सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस आनी है विद कंडीशंस, तो आपको ये डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इक्वेशंस करनी है, स्टेप्स की इक्वेशंस, ना कि डिटेलिंग, ठीक है। तो 136 पेज पे, 135 पेज पे स्टेप 4 तो काट ही दो, रिफाइनिंग नहीं करनी। 136 पेज पे ये ऑल्टरनेटिव मेथड दे रखा है रेफरेंस के लिए, ये काट दो। और इसके बाद ये देखो इतनी सारी ये डिटेलिंग दे रखी है, जैसे 137 पे देखो सिर्फ इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस कर लेना। लेकिन 138 पेज पे जो इतनी सारी थ्योरी दे रखी है, ये कुछ नहीं करना, ठीक है, थ्योरी नहीं आएगी, इक्वेशंस आएंगी। और पेज नंबर 139 पर फोर्थ स्टेप जो है ये वो काट दो, बाकी ये इक्वेशंस करनी है आपको, सिर्फ इक्वेशंस। 140 पेज पे फिर इसके बाद एलॉयज आ जाते हैं, एलॉयज क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन करोगे। कई अलग अलग मेटल्स के एलॉयज होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एलॉयज करने हैं एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम के पेज नंबर कौन सा है, 140 पे दे रखा है सेकेंड पॉइंट, एल्यूमिनियम एलॉयज हैं ड्यूरेल्यूमिन एंड मैग्नेलियम, ये करने हैं आपको बच्चे। एल्निको नहीं दे रखा है, एल्निको भी करेंगे आप, है ना, एल्यूमिनियम का ही अलॉय है। इसमें इसके कंस्टिट्यूएंट्स करने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज करनी है, यूजेस करने हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिलहाल आगे आ जाओ, आगे बात आई कौन सी, चैप्टर 7, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। पहले ये बताओ मुझे भैया कि काटने में मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, काम का वीडियो है कि नहीं है। इतना सारा कट चुका है भैया, तो यू आर वेरी लकी कि आपको इतना कम सिलेबस करना है, लेकिन कहीं ना कहीं अनलक्की भी हो कि अगर ये करते तो कहीं ना कहीं नॉलेज ही बढ़ती। चलो कोई बात नहीं, जो नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं वो पूरा करिएगा, नॉलेज बढ़ाइएगा, एग्जाम में चाहे आप तैयारी मत करिएगा उस पार्ट की। लेकिन फिलहाल क्या कट है, मैंने तो वो बोर्ड के हिसाब से बता दिया। फिलहाल हाइड्रोजन क्लोराइड में एज सच कुछ कट नहीं है, थोड़ा सा पार्ट कट है वो देख लो। पेज 155 पे लास्ट रिएक्शन है थायोसल्फाइड्स की, ये कट नहीं है, पहले से ही कट थी, पहले से ही कट थी, रेफरेंस के लिए काट दो। ऐसे ही पेज नंबर 156 पे ये बॉक्स में सबसे लास्ट इक्वेशन है फिफ्थ वाली, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, ये काट दो, पहले से ही कट है, ये नहीं करनी, एक्स्ट्रा में है। फिर नेक्स्ट पेज पे 157 पे टेस्ट एंड यूजेस है, इसमें भैया दोनों के दोनों टेस्ट और यूजेस हाइड्रोजन HCl के नहीं करने, लेकिन टेस्ट जो शुरुआत के दो दे रखे हैं ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए, तो टेस्ट पहले के दो टिक लगा लो, ठीक है। हालांकि बोर्ड ने अलग से लिख के नहीं दिया है कि टेस्ट आएंगे। आ जाओ बात अमोनिया की, अमोनिया मेरे प्यारे बच्चे, अमोनिया की प्रिपरेशन है पेज नंबर 166 पे, फ्रॉम मेटल नाइट्राइड, जैसे एल्युमिनियम नाइट्राइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, ये नहीं करना, पूरा पेज काट दो, पूरा पेज काट दो। फिर उसके बाद टेस्ट, टेस्ट की बात आई, फिर इसके टेस्ट नहीं करने आपको, अमोनिया के टेस्ट नहीं करने, लेकिन अमोनिया की यूजेस सिलेबस में है, ठीक है, वो कर लेना। टेस्ट में एग्जाम में तो नहीं है, मतलब सिलेबस में तो नहीं लिखे हैं, लेकिन फिर मैं कहता हूँ एक्शन ऑन इंडिकेटर्स, ग्लास रॉड एंड डिप्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको कर लेना चाहिए, तो ये दोनों जरूर कर लेना, ठीक है। अच्छा फिर नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3 में आप देखो ये जो दे रखा है सेकंड पेज पे, ओसवाल्ड प्रोसेस,
मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया नाइट्रिक एसिड वाला पार्ट, इसमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस करनी है विद कंडीशंस जो इस पेज पे दे रखी हैं, लेकिन इसके बाद इसकी डिटेलिंग कर रखी है, देखो फ्लो चार्ट दे रखा है ये भी कर लेना, लेकिन फिर उसके बाद इतनी सारी डिटेलिंग दे रखी है, देखो उसने लिख के दिया है रेफरेंस, ये डिटेलिंग कुछ नहीं करनी, 188 189 की डिटेलिंग काट दो, काट दो भैया जल्दी से, प्रॉपर्टीज काट दो, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज काटोगे, पेज नंबर 194 पे सी वाला पार्ट काट दो ऑक्सीडेशन, डी वाला पार्ट काट दो, ये पूरा पेज ही काट दो, ऐसा करो हड़ा, हाँ नहीं तो, और टेस्ट टेस्ट भी काट दो, टेस्ट नहीं करने हैं आपको, ठीक है। और यूजेस की बात करें तो यूजेस भी नहीं करने, 195 और 196 भी काट दो पूरा। सेकेंड लास्ट चैप्टर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड पे आ जाओ, सल्फ्यूरिक एसिड में भैया ये फर्स्ट पेज पे जनरल मेथड ये तो पहले से ही नहीं थे, ये नहीं करने हैं, इसमें सिर्फ कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपको करना है, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी जो अगले पेज पे देखिए इतनी सारी रायता फैला रखा है, डायग्राम दे रखा है, ये कुछ नहीं करना, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ आपको बोर्ड ने लिख के दिया इक्वेशंस विद कंडीशंस करनी है, यानी पेज नंबर 205 करोगे जिसपे इक्वेशन दे रखी है, और 206 पे ये डिटेलिंग काट दो, कुछ नहीं करना, लेकिन हाँ इसमें एक चीज कर लेना कि इसमें वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड क्यों ली जाती है, क्यों प्रेफर की जाती है, ये कर लेना 206 पेज पे सबसे नीचे ये दे रखा है वेनेडियम पेंटोक्साइड वाला पार्ट। फिलहाल 207 पूरा काट दो क्योंकि ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस की डिटेलिंग नहीं करनी। 213 पेज पे पूरा काट दो, रेफरेंस के लिए है, ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड। फिर भैया अच्छा फिर क्या बात आई, क्या बात आई, 200, अच्छा 200 जो आपका 13 है ना उसमें यूजेस तो करने हैं, यूजेस वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर का कर लेना है ना, लेकिन ये रेफरेंस वाला पार्ट काट देना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ जाओ, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें कट हैं, बहुत सारी क्या है कट, चलो देखो भैया देखो, एक तो ये बात आ गई कि आपको नॉमेनक्लेचर कीटोन्स और ईथर्स का नहीं करना, तो पेज 206 पे ये सबसे लास्ट में दे रखा है कीटोन ईथर, ये काट दो, बाकी तो सब ये करना ही है, करना ही है। एल्केन्स एल्कीन्स और एल्काइंस की प्रिपरेशन नहीं करनी, तो पेज 229 पे आप देखिए ये मीथेन ईथेन की लैब प्रिपरेशन है, जनरल मेथड्स हैं, ये काट दो, जल्दी लग रहा है तो फिर से बोल रहा हूँ, स्लो करके अपने हिसाब से देखते रहना, जितनी भी 0.75 या 0.5x स्पीड करनी है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज करनी है ये सारी, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाली करनी है, ठीक है। और फिर पेज नंबर 231 पे ये पायरोलिसिस लिखा है सबसे नीचे, और यूजेस ऑफ मीथेन ईथेन ये काट दो। फिर उसके बाद पेज नंबर 233 पे आ जाओ, देखो अगर मैं यहाँ पे कोई पेज स्किप कर रहा हूँ इसका मतलब उसमें से कुछ नहीं काटना है, ठीक है ध्यान रखना। और पेज नंबर 233 पे आप देखिए सबसे ऊपर ये प्रिपरेशन के मेथड्स लिख रहे हैं, फोर्थ वाली पॉइंट पूरा काट दो, फिफ्थ करना है, ठीक है ये पूरा करना है, सब्सटी एडिशन रिएक्शन पूरे करने हैं, 234 करना है, लेकिन 235 पूरा काट दो, केमिकल प्रॉपर्टीज में ये वाली प्रॉपर्टीज नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ इससे पहले वाली एडिशन वाली प्रॉपर्टीज करनी है, एडिशन रिएक्शन वाली। फिर आ जाओ 237 पे भैया, ये प्रिपरेशन फिर काट दो एल्काइन की, ये नहीं करनी है, नीचे फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लेना। 238 पेज तो भैया पूरा करना है, अरे कुछ तो करोगे किन्ने करोगे, या सब काटते चलोगे हैं, चलो करो ठीक है, ये 238 करना है, 239 नहीं करना, 239 पूरा काट दो। 240 पे एल्कोहल्स वाला पार्ट भैया, इसके आगे एल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड सिलेबस से पूरे हटाए जा चुके हैं, तो आपको इसमें से कुछ नहीं करना, लेकिन फिर भी इसका जो नॉमेनक्लेचर है जैसे पेज 240 पे वो कर लेना एल्कोहल्स का, बाकी सब काट दो। और पेज 243 पे जो ये नॉमेनक्लेचर है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का 243 पे वो कर लेना, बाकी सब काट देना। अब बात आई सर इसका क्या करना है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, भैया प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का अलग से मेंशनिंग कोई नहीं है सिलेबस में, तो एक क्वेश्चन आता है कि बच्चे पूछते हैं सर ये करना है कि नहीं करना, तो बेटा वैसे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ऑल्दो इज मेंट फॉर योर प्रैक्टिकल वर्क जो स्कूल में कराया जाता है, लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चंस थ्योरी में आते हैं, बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, इसमें से कितना पार्ट करना है कितना नहीं करना, कुछ एक्स्ट्रा भी काफी कुछ दे रखा है, कितना करना है उसका मैंने बहुत ही बेहतरीन लेक्चर बनाए हैं जिसका लिंक नीचे दे रखा है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का, बिल्कुल सबसे नीचे चले जाना, अलग अलग चैप्टर्स की सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट है, आप दूसरे चैप्टर्स की अगर स्टडी करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री सबसे नीचे मिलेगा वो जरूर कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मजा ना आए तो बोल देना कमेंट बॉक्स में, मजा आए करने में चैप्टर क्लियरिटी मिले तो वो भी बताना कमेंट बॉक्स में। फिलहाल भैया
ये था आपका केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस, है ना। और अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी ऐप में भी ये पूरा पीडीएफ जो मैंने यहाँ समझाया वो अवेलेबल है। तो ऐप में जाइए, डाउनलोड करिए, वहाँ पे स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा 10th ICSE में, वहाँ इसका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फिलहाल भैया मज़े आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए, आए ना, कौन से चैप्टर में सबसे ज़्यादा मजे आए काटने में, जिसने ये लगा कि थैंक गॉड अरे ये चैप्टर ये टॉपिक कट गया, चलो भैया अच्छा हुआ इसमें सबसे ज़्यादा कटा है, कौन से चैप्टर में आपको लगता है सबसे ज़्यादा कटा है, सबसे मज़े आए हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताओ। फिलहाल भैया मिलेंगे इसी तरीके से दूसरे किसी लेक्चर में, बाकी दूसरे इसी तरीके के लेक्चर जो मैंने ऑलरेडी बना दिए नीचे प्लेलिस्ट में, ऊपर आई बटन पे लिंक है वहाँ जाके आप देख सकते हो। फिलहाल चलो इंतजार करो जब तक किसी दूसरी वीडियो का, ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, मिलेंगे हम इसी तरीके से किसी दूसरे लेक्चर में, जब तक के लिए भैया मेहनत करते रहो, स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड, एंड मेरी तरफ से आपको आपकी एग्जाम्स के लिए ऑल द